ज्वेलरी का, छोटी ज्वेलरी में पॉसिबल नहीं होगा, बड़ी ज्वेलरी में भी जीपीएस चिप क्यों नहीं लगाई जा सकती है? लॉकेट वगैरह में जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 11 तारीख को एक घर में आभूषण व अन्य सामान के चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, क्योंकि जो घर से सामान चोरी हुआ था इसकी कीमत 10 लाख से भी ज़्यादा थी, तो तत्काल इसमें सीओ कैंट के निर्देशन में एक टीम लगाई गई थी। 3 दिनों की अल्प अवधि में इस पूरी घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और साथ में जिस घर में ये घटना कारित हुई थी उसमें मेड का काम करने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इस महिला द्वारा ही इन चोरों को ये सूचना दी गई थी कि घर में क्या सामान है और कहाँ पड़ा हुआ है। उनके द्वारा इस घर की रेखी भी की गई थी और मौका पाते ही ये घटना कारित की गई थी। घटना में चोरी हुआ 100% रिकवरी इन अभियुक्तों के कब्जे से हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ इस पूरी घटना में 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं जो आपके माध्यम से मैं गोरखपुर वासियों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस घटना का अनावरण करने में सबसे मुख्य भूमिका सीसीटीवी कैमरा द्वारा निभाई गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस समय पर गोरखपुर पुलिस द्वारा बीट कॉन्स्टेबल्स के माध्यम से सीसीटीवी कैमरास के सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी समीक्षा भी की जा रही है। जब भी बीट कॉन्स्टेबल्स आपके घर या आपके प्रतिष्ठान पर आएँ सीसीटीवी कैमरास का वेरिफिकेशन करने के लिए, तो कृपया उनका सहयोग करें। यदि आपका सीसीटीवी कैमरा किन्हीं कारणों से ख़राब है या डीवीआर में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो कृपया उसको ठीक करवा लें। ये आप ही की सुरक्षा के लिए हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो तत्काल अपने बीट कॉन्स्टेबल से आप संपर्क करें। दूसरा, इसमें उल्लेखनीय है कि ये जो महिला घर पर काम करती थी, ये पिछले 10 साल से ऑन एंड ऑफ इस घर पे काम कर रही थी, परंतु इसका कभी भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। तो दूसरी सीख इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रतिष्ठान पर या घर पर आपके यहाँ पर काम करता है, नौकरी करता है, मेड का या किसी और काम करता है, तो कृपया अपने संबंधित थाने से उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएँ। ऑनलाइन माध्यम से यदि आप कराना चाहते हैं तो यूपी कॉप जो ऐप है उस पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा किया जाएगा, तो कृपया इन चीज़ों का वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं ताकि आगे से इस तरह की घटना ना हो सके। धन्यवाद।